सो हेलो एंड वेलकम क्लास टेंथ इन अनर द वीडियो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज़ योर चैप्टर नंबर टू सो फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड वॉज इलेक्ट्रिसिटी तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और उससे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उसकी मदद से और उसके न्यूमेकल्स वगैरह सब हमने सीख लिया ऑलरेडी ठीक है अभी यहाँ पर हमें यह समझना है कि मैगनेटिकफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है मतलब ये भी इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटेड है बट उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आता है सो so, uh, किसी भी को, जैसे आपका वायर होता है ठीक है उसमें अगर करंट पास हो रही है तो जब करंट पास होती रहती है तो एक तरीके का वो आस पास उसके एक तरीके की फोर्स को प्रोड्यूस uh, करता है उसी फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ठीक है मैग्नेटिक फोर्स एक इंड्यूस uh, करता है ड्यू टू to... जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी आर स्टडीड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट तो हमने ये तो पिछले चैप्टर में देखा लास्ट टॉपिक ही था हमारा जो कि हीट में कन्वर्ट हो रहा था हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्यों जब रेजिस्टेंस क्योंकि जो कि करंट को रोकता है जब वो ज़्यादा हाई हो जाता है तो करंट रुकता रुकता है ठीक है और जब रुकेगा तो वो हीट में कन्वर्ट होता जाएगा जैसे आपका हीटिंग उसके हमने वो भी देखे थे मतलब एप्लीकेशंस जो हीटर आयरन वगैरह है ना तो वी विल नॉट स्टडी दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट तो एक इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है कैसे वो हम देखेंगे इस चैप्टर में ठीक है और बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह हो गया बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये ठीक है सो द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इ वायर प्रोड्यूज अ मैग्नेटिक फील्ड अरउंड इट इन अ वर्ड इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ मैगनेटिज्म जैसे कि आपने इलेक्ट्रो मैग्नेट के बारे में तो सुना ही होगा बहुत लोगों ने अपने साइंस एक्जिबेशन में इसके इससे बेस्ड एग्स मॉडल्स भी बनाए होंगे वर्किंग मॉडल्स है ना तो ये उससे ही रिलेटेड है सो दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द अब एक्टिविटी तो एक एक्टिविटी है एक्टिविटी आपको फ़िगर नंबर वन में दिख रही होगी क्या करना है आपको एक बैटरी लेनी है बैटरी और एक आयरन नेल लेना है आयरन नेल क्यों क्योंकि वो कंडक्टर है ठीक है और उसके अराउंड हमको वायर को ऐसे रैप कर देना है जैसे कि स्प्रिंग टाइप का देखो आप रैप ना आपको दिख रहा होगा फिगर में जस्ट लाइक दैट हमने एक रैप कर लेना है तो हम क्या देखेंगे जैसे ही हमने बैटरी को मतलब सर्किट कंप्लीट हुई और बैटरी में करंट एक प्रॉपर मेंटेन कर दिया तो ये नीचे पड़े हुए छोटे छोटे आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर ले रहा अपने तरफ बहुत ही अच्छी बात है ठीक है तो ये एक्सपेरिमेंट था जिससे कि प्रूफ हो गया कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस किया ना एक मैग्नेट होता क्या है सबसे पहली चीज़ तो मैगनेट तो सब जानते हो बचपन में हम हिंदी में उसको चुंबक बोलते हैं है ना तो बचपन में सब ने मैगनेट देखा है मैगनेट से टॉयज़ आते हैं मैगनेट हमारे साइंस लैब में भी मैगनेट्स हैं तो खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे एक मैगनेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि पीस ऑफ आयरन या स्टील या निकल या ये चारों में से किसी को भी अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ समझ रहे हो इस चीज़ को आप हाँ तो मैग्नेट कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस तो मैग्नेट तो हर शेप और साइज का आता है बार मैग्नेट आता है हॉट शू मैगनेट आता है इस इस तरीके की चीज़ें आती हैं सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट इज़ अ बार मैग्नेट बार मैग्नेट सबसे ज़्यादा कॉमन मैग्नेट होता है बार मैग्नेट जैसा बार होता है और वो ऐसा मैग्नेट सा हो जाता है मतलब ऐसा ये बार होता है तो दिस हाँ अब इसके एक पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसकी भी बात करेंगे हम आगे ठीक है तो ये एक बार मैग्नेट है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं ओके सो हैज़ टू पोल्स नियर इट्स एंड्स मतलब दोनों एंड के बीच में क्या होता है दोनों एंड में मतलब एक एक अलग डिफरेंट डिफरेंट पोल होता है जैसे आपका चार्जेस की हम हम बात करते हैं ना तो डायपोल होता है खैर डायपोल का कॉन्सेप्ट आपके टेंथ में है नहीं वो ट्वेल्थ में है तो मैं ट्वेल्थ में ही बात करूँगा उस चीज़ की फ़िलहाल के लिए आप ये जान लो कि हाँ चार्ज भी ऐसा होता है एक अगर डायपोल की हम बात करते हैं पोल का मतलब होता है पोलैरिटी मतलब कि किसी भी अपोजिट चीज़ का एक साथ आना तो पोलैरिटी हो गया आपका नेगेटिव पॉजिटिव जैसे चार्जेस में होते हैं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ होता है ठीक है तो नॉर्थ यहाँ पे जैसे पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है और साउथ को हम नेगेटिव बोल सकते हैं खैर अभी उसके हिसाब से समझते हैं तो नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल दिज आर द टू पोल्स दैट जो कि हर मैग्नेट में होता है ओके द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक एंड किसी भी आपका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यानी कि हमने एक बार मैग्नेट ऐसे लिया ठीक है उसको एक ऐसे थ्रेड से बांधा और ऐसे लटका दिया कहीं पर एक रिजिट सपोर्ट से ठीक है तो उसको बोलेंगे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट तो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है ठीक है और फ्रीली पावर्टेड मैगनेट यानी कि यहाँ पे यह फिक्स है और इस तरफ से ऐसे जुड़ा हुआ है विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट तो इस तरीके का अगर मान लो ये ये हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है ठीक है ठीक है जोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है और uh, आपका कॉल्ड द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट तो इसकी तरफ अगर ये पॉइंट कर रहा है तो वी विल से दैट ये आपका um, नॉर्थ uh, पोल है मैगनेट का ठीक है और ऑब्वियसली साउथ इधर होगा तो ये साउथ पोल हो जाएगा तो समझ गए मैग्नेट का कैसे पता लगाते हैं साउथ पोल कौन सा है नॉर्थ पोल कौन सा है ओके सो लेट्स रीड इट आउट एंड द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑफ फ्रीली पावेटेड मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल ऑफ द मैगनेट तो बहुत ही सिंपल है इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट लाइक मैग्नेट पोल्स रिपेयर इचे दर जैसे कि लाइक like चार्जेस हमारे रिपेयर करते हैं ना एक दूसरे को जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों को हम अगर पास ले आना चाहेंगे ना तो ये और दूर भागेंगे है ना हम लोग चाहेंगे कि ये पास हैं लेकिन ये रिपेयर करेंगे लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेयर करते हैं बट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ठीक तो वैसे ही यहाँ पर भी पोल्स के साथ भी सिमिलरली वही कंडीशन होती है That north and north pole will repel each other, but south and south pole will also repel each other, but north and south will attract each other. So it has been found that opposite poles attract each other. Okay. Now, this means that the north pole of the magnet repels the north pole of the another magnet, and south pole of the magnet repels the south pole of the another magnet. But north pole of the magnet attracts the south pole of the another magnet. Okay. दीज डेज मैगनेट्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पज़ ठीक है आजकल जो है वेराइटी ऑफ पर्पज़ के लिए ये आपका मैगनेट यूज़ होता है um, जैसे कि आप दीज आर यूज इन रेडियो दीज आर यूज इन स्पीकरस है ना स्पीकर में भी मैगनेट होता है एंड दीज आर यूज इन टेलीविजन दीज आर यूज इन रेफ्रिजरेटर डोर्स है ना रेफ्रिजरेटर ताकि अपने से बंद हो जाए और ऑडियो uh, डिवाइस आपके इवन मोबाइल में भी मैगनेट होता है और ठीक है मतलब तो ये सारी चीज़ें बच्चों के खिलौनों में बहुत सारी चीज़ होती हैं और आप कभी कभी क्या होता है ना सर किसी के जैसे सर में प्रॉब्लम है ठीक है किसी के सिर में प्रॉब्लम है अंदरूनी प्रॉब्लम नहीं पता चल रहा तो डॉक्टर कहते हैं ना अब एम स्कैन करवा लो तो वो एम भी क्या होता है एक्चुअली में इसी टेक्नोलॉजी पर बेच भे होता है क्योंकि हमारे अंदर क्या होते हैं नर्व्स होते हैं ठीक है ठीके? जैसे हमारी बॉडी है नर्वस सिस्टम होता है ना बुरा जैसे हमारी ये बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नर्व्स घूम रहे होते हैं इस तरह से नर्व जैसे गए होते हैं पूरे बॉडी में पूरी बॉडी मतलब नर्वस सिस्टम बहुत खतरनाक सा होता है दिखता है तो ब्रेन में भी होता है तो एक्चुअली में जो नर्व है ना ये हमारा वायर इसको मान लो एक तरीके का वायर होता है ठीक है और जो हमारे ब्रेन में सिग्नल्स आते हैं वो एक तरीके करंट के फॉर्म में आते हैं ठीक है इलेक्ट्रिक करंट के तो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से जब पास होता है तो वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस करता है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है फील्ड क्या होता है एक तरीके का अपना एक इन्फ्लुएंस है ना एक पर्टिकुलर रेंज में दैट इज़ नोन एज फील्ड ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एम आर आई स्कैन मशीन्स बनाई गई हैं जिससे कि हमारे बॉडी का पूरा का पूरा जहाँ भी नर्व्स होते हैं वो कैचअप कर लेता है वो स्कैन कर लेता है अब बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है तो मैंने आप लोग को मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ फिर इस बुक की भाषा पढ़ा जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मैगनेट है ठीक है ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो मैग्नेट जो है ना अपना इन्फ्लुएंस इतनी दूर तक इतनी रेंज तक दे रहा है मान लो इतनी रेंज तक दे रहा है ऐसे ठीक है इसके अंदर में जो भी अगर आएगा तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा बट इसके बाहर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला इसके अंदर इफेक्ट होगा बाहर नहीं होगा इफेक्ट अंदर इफेक्ट होगा ठीक है जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अंदर तो इफेक्ट होगा कोई भी चीज़ आए लेकिन बाहर कोई इफेक्ट नहीं होगा बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है वो क्योंकि फील्ड के बाहर है देखो फील्ड की बाउंड्री ये है तो दिस इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की कितनी रेंज तक उसका इन्फ्लुएंस है उस मैग्नेट का पर्टिकुलर तो दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ लेते हैं उसको भी जस्ट एज एन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वैसे ही सेम वे में सेम तरीके से जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड है ना इस कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड मतलब जितनी रेंज तक उसका इन्फ्लुएंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है सो अ कंपस नीडल प्लेस नियर अ मैग्नेट गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्जोटेड बाय द मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग इज ऑल्सो क्लिंज टू द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स है ना सो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट इज शोन इन द फिगर नंबर एट वो हम देखेंगे फिगर नंबर एट में वो बहुत आगे अभी तो द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है और ऐसी क्या चीज़ होती है इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम वैक्टर क्वान्टिटी बोलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक तरीके का वैक्टर क्वान्टिटी है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वैक्टर क्वान्टिट्टी था मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा वैक्टर क्वान्टिटी है तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे ताकि हमें पता तो चले कि आखिर हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं और क्यों हमें पढ़ाया जाता है इस मोमेंट ऑफ टाइम में तो ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना इसके बाद जो हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे सीधे सीधे डायरेक्ट क्लास ट्वेल्थ में पढ़ोगे अगर आप फिजिक्स से कंटिन्यू करते हो तो ठीक तो अभी के लिए इतना आप लोग के लिए जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और आप जान भी गए हो कि हाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और कैसे जनरेट होता है है ना द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हाँ अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं इमेजिन करते हैं कि एक पॉजिटिव छोटा सा पॉजिटिव चार्ज कहीं पे रखा हुआ है और उस पर क्या उस उस चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा ड्यू टू एक्सटर्नल जो भी वहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं उसके वजह से तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है मान मान लो ये हायर क्लासेस की बात है बट फिर भी मैं एक ब्रीफली बता देता हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी उसकी वजह से मान लो यहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा हुआ है यहाँ पे सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ऐसा रखा हुआ है ठीक अब मैं कह रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे आप बताओ ये पॉइंट पी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है तो आप क्या करोगे तरीका होता है एक आप छोटा सा पॉजिटिव चार्ज इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इमेजिन करके उस पॉइंट पी पे रखो ये पॉइंट पी पे है अब उस पॉइंट पी पे इसको कैसा आ, फिर मतलब इन्फ्लुएंस होगा ये जो पॉजिटिव वाला सोर्स चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा इधर की डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की डायरेक्शन हो गई ठीक है ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का टेंथ में नहीं है ये ट्वेल्थ में आता है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलता है तो सपोज़ आपका यहाँ पे आ, आपका यहाँ पे क्या रखा हुआ है एक मैग्नेट रखा हुआ है ठीक है नॉर्थ एंड साउथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है हमें नहीं पता अभी यहाँ पे ना एक और मैग्नेट ऐसे रख दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पे पॉइंट पी पे हमको निकालनी है तो अब यहाँ इमेजिन करो कि एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का रखा हुआ है अब उस नॉर्थ पोल पे किधर की डायरेक्शन में ऐसा उसको इफेक्ट आएगा देखो साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल उसको उधर ढके तो दिस विल गिव यू तो नॉर्थ पोल किधर किधर जाएगा तो रिजल्टेंट जो भी इसका डायरेक्शन आएगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ आपका मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे ठीक है थ्योरी है बस इतना ही आपको समझना है इसमें कोई ऐसा सच क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा ठीक है बस थ्योरी एक समझना था इस चीज़ को यू हैव ऑलरेडी इट वेरी क्लियरली ओके नाउ मूविंग फॉर्दर सो अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इन इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल मतलब सोचा हुआ हमारा इमेजिनेशन इमेजिनेशन वाला नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल का अगर इमेजिन करते हैं तो कैसा होता है वो किधर की तरफ जाएगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट चलो भाई अब हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं व्हाट आर दिस देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वही होती है जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती हैं जैसा कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना बार मैग्नेट के अराउंड एक सर्कल सर्कल सब एलिप्टिकल बनाया था वो रेंज जो बनाई थी दैट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्योंकि देखो हमें पढ़ाई करनी है पेपर पर पे, तो अब हम इमेजिन करके तो हमेशा नहीं दिखा सकते ना अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा आपको कुछ भी करना होगा तो वी कैन नॉट ओनली इमेजिनेशन से बता सकते हैं हाँ हमको उस फील्ड को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा तो हमने एक लाइंस इमेजिनरी लाइंस जो है वो हमने बनाना सम जरूरी समझा इस चीज़ को समझने के लिए सो वेना स्मॉल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ मैगनेट इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एक तरीके का फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा एंड इफ द नॉर्थ पोल इज़ फ्री अगर नॉर्थ पोल फ्री है दैन इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो अगर नॉर्थ पोल फ्री है आपका तो वो मूव करेगा मैगनेटिक फील्ड के अंदर जहाँ जाना चाहेगा वो जाएगा सो so, जब तो वो जो नॉर्थ पोल है वो जो पाथ ट्रेस करेगा है ना जब उस पर इंफ्लुएंस लग रहा है वो कहीं भागेगा तो वो जो पाथ ट्रेस करेगा द पाथ ट्रेस बाय द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यानी कि वो जो पाथ ट्रेस करेगा दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कौन ट्रेस करेगा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट राइट ओके इन अदर वर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द लाइन ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव राइट सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वर ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिज द डायरेक्शन ऑफ द मैगनेटिक फोर्स ऑनॉर्थ पोल प्लेसड एट दैट पॉइंट सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल सो द मैगनेटिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो बिगेन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट एंड एंड एट दाउथ पोल ऑफ द मैगनेट देखो इस लाइन में क्या समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट्स क्या देता है वो गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल जो हाइपोथेटिकल वाला नॉर्थ पोल है वो उस पर कैसा इन्फ्लुएंस हो रहा होगा वो डायरेक्शन देता है हमको तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल हम क्या कह सकते हैं दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ़ द मैगनेट जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक बार मैगनेट बनाऊँ ऐसा ये अगर नॉर्थ है ये साउथ है तो लाइंस ऐसे निकल के जाएगी और साउथ के अंदर घुस जाएगी यानी कि एरो मैं बनाऊँगा तो ऐसा आर यू गेटिंग माई पॉइंट या फिर ऐसा इधर नॉर्थ से निकल के साउथ पोल में एंटर करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज़ इट ओके ओके तो इससे अच्छा डेमॉन्स्ट्रेशन हो ही नहीं सकता तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है अब ये है पहला जो चीज़ है वी विल नॉट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूसिंग अ बामनेट कैन बी प्लॉटेड ऑन पेपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं कैसे देखो आपको फिगर नंबर फोर एंड फाइव दिख रहा होगा सही सबको ही दिख रहा है सबके बुक में तो फिगर नंबर फोर में क्या है एक टेबल रखा हुआ है और टेबल के नीचे एक बार मैगनेट रखा हुआ है किस तरीके से देखो साउथ और नॉर्थ इधर है ठीक है इस तरीके से रखा हुआ है नाव और क्या चीज़ है इसके साथ ही साथ हाँ इसके साथ साथ ऊपर में ये जो पाउडर है ना वो आयरन फिलिंग्स है मतलब कि लोहे के छोटे 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 पाउडर फॉर्म में टुकड़े ठीक है जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है उस तरीके से टुकड़े हैं ये ठीक है उसको हमने उस टेबल पे स्प्रिंकल कर दिया जिसके नीचे मैग्नेट इस तरीके से रखा था अब भाई उसके बाद हुआ क्या उसके बाद हमने फिलअप जब उसको किया और फिर हमने फूक मारी तो जो अट्रैक्ट हो सकता था वो तो अट्रैक्ट हो गया बाकी जो उड़ जाना था उसको उड़ गया तो उसका जो पैटर्न था वो कुछ फिगर नंबर फाइव जैसा दिखा देखो आप इस तरीके से दिख रहा है तो ये क्या दिखा रहा है एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है कि किस तरीके जो आप इमेजिन करते हो ना जिसको आप फील नहीं कर सकते बट वो होती है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड तो वो इस तरीके से दिखाई देती है अगर होती रियल लाइफ में आपको दिखती तो इस तरीके से दिखाई देती फिगर नंबर फाइव जैसी ठीक है बट क्योंकि वो नहीं दिखाई हाँ अब ऐसा नहीं है कि वो टू डायमेंशनल ही है वो थ्री डायमेंशन में ठीक है चारों तरफ है ऐसा नहीं है कि टू में ही है टू समझ रहे ना ना मतलब ऑन पेपर ही है नहीं ऐसा नहीं है वो ऑल ओवर मतलब पूरे थ्री में है ठीक है इसी तरीके से आप कंपस कम्पस का भी प्लॉट कर सकते हो कम्पस का प्लॉट कैसे कर सकते हो भाई चलो और देख लेते हैं देर इज ऑल्सो अनदर मेथड ऑफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अन इज डन बाई यूजिंग अ कम्पस कंपस इज अ डिवाइस हाँ कंपस क्या होता है भाई गाड़ियों में होता है बहुत से कंपस अ डिवाइस जो कि डायरेक्शन बताता है जो कि पहले के ज़माने में आ, जो लोग थे वो शिप वगैरह में यूज़ करते थे अब तो नए नए जी पी एस ट्रैकिंग डिवाइसेस आ गए हैं तो नए टेक नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है फिलहाल के लिए यही था तो अ इज़ अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पाइवर्टेड मैग्नेट मतलब एक जो नीडल होता है ना उसका मैग्नेटिक नीडल होता है और जो कि पॉइंट करता है आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ठीक है एक तरफ, के तरफ है, की तरफ पॉइंट है नॉर्थ की तरफ पॉइंट किया हुआ है आप देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिगर नंबर सिक्स में ध्यान से देखो तो एक नॉर्थ डायरेक्शन होती है साउथ डायरेक्शन होती है बाकी हम ईस्ट और वेस्ट तो निकाल ही लेते हैं ठीक तो डायरेक्शन अगर आप पेपर पर बनाने की जरूरत है ना तो देखो ऐसा होता है ऐसा और ऐसा ऊपर और नीचे और राइट और लेफ्ट हम बनाते हैं तो ऊपर हम बोलते हैं नॉर्थ है नीचे साउथ है लेकिन ईस्ट वेस्ट में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ईस्ट की है वेस्ट की धर तो ईस्ट राइट साइड में होता है और वेस्ट लेफ्ट साइड में होता है इसका ट्रिक क्या है उसका ट्रिक भी मैं बता देता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर काम आता है ये जब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो तो एन बनाओ ठीक है एन का जो राइट साइड है वहाँ पे आप ऐसे बना दो ई और जो लेफ़्ट साइड है उसमें ऐसे डब्ल्यू बना दो तो लेफ़्ट साइड में हमेशा वेस्ट होता है राइट साइड में ईस्ट होता है ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ ठीक है ईजी वेरी ईजी इट्स अ ट्रिक जो कि मैंने अपने क्योंकि मैं भूल जाता था मैंने अपने लिए बनाई थी ये ट्रिक ओके okay. सो so, अब आप लोग भी ये ट्रिक जानते हो आप लोग भी इसको याद हो जाएगा नहीं भूलोगे कभी तो इट्स अ ट्रिक जो कि आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आएगा ओके okay. सो so, इसको आप रीड कर लेना बहुत ही सिंपल है हाँ और एक और चीज़ है जैसे कि अगर हमारे पास छोटे छोटे कंपास हैं छोटे छोटे कंपास हैं और हम उसको इस तरीके से रखते हैं मैग्नेट के पास में तो ये जो है ना ये भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखाता है देखो इस तरीके से ऐसा अब कैसे दिखा रहा है मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको पास करता हूँ देखो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है ठीक है ये नॉर्थ पोल है अब जो कंपस होता है उसके पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है कंपस में नीडल होती है नीडल के पास एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है क्योंकि नीडल भी इज ऑल्सो अ बार मैगनेट कंपस के अंदर जो नीडल होती है जो मूव करती है ठीक है अब देखो नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तो नॉर्थ पोल देखो दूर है इसका वाला इसके नॉर्थ पोल से है कि नहीं है और साउथ को अट्रैक्ट करेगा साउथ को अपनी तरफ खींच रखा है इसने देखो तो ऐसी डायरेक्शन होगी इसकी ऐसी एयर होगी सिमिलरली अगर यहाँ से यहाँ देखो यहाँ भी यही सिचुएशन है इस तरीके से इस तरीके से पूरी आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रैक हो गई देखो जो हमने बनाई थी इमेजिन करके और रियल लाइफ में भी हमने मैगनेट मैग्नेटिक नीडल की वजह से हमने देखा चलो भाई ठीक है ना तो अभी क्या है कि ये बहुत ही डिटेल में आपको पूरा वर्डिंग में समझाया मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया ये चीज़ ठीक अब देखो अब जो है यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइफ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखेंगे कभी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे को क्रॉस नहीं करती कभी भी क्रॉस नहीं करती इस बात को हमेशा ध्यान रखना और हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है और इमर्ज होती है नॉर्थ से और जाती है अंदर घुसती है साउथ के और मैग्नेट के अंदर ऐसा नहीं है कि अंदर होता है समझ हो लाइन बारी बार होती हैं इस चीज़ को याद रखना है आपको तो ये है अब द मैग्नेटिक फील एनहेंस द मैगनेटिक फील लाइन सज नॉन प्लेन हाँ सारे प्लेन में एग्जिस्ट करता है ऐसा नहीं टू डायमेंशनल होता है मैगनेटिक फील्ड जो होता है आपका थ्री डायमेंशनल होता है इस बात को याद रखना ठीक है तो टू डी थ्री डी में डिफ्रेंस इसको नहीं पता जैसे बुक पढ़ते हो आप बुक पर जो लिखा होता है वो टू डायमेंशनल होता है ठीक है लेकिन जो आपका रियल लाइफ में आप देखते हो ना सामने से वो थ्री डायमेंशन होता है दोनों आंखों से जो देखते हो आप देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ओरिजिनेट कहाँ से होती है नॉर्थ से और एंड कहाँ पे होती है साउथ पे ठीक है तो द मैग्नेटिक सेकेंड क्या है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैगनेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस ठीक है मतलब अगर पोल्स की बात करें हम पोल पे तो पोल 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 यहाँ पे देखो लाइंस काफ़ी क्लोज क्लोज हैं तो यहाँ पे फील्ड जो है मतलब इफेक्ट जो होगा मैग्नेट का बहुत तगड़ा होगा बट अगर थोड़ा दूर चले जाते हैं वहाँ पे लाइंस थोड़ी दूर दूर हो जाती हैं तो वहाँ पे आपके मैगनेट मैग्नेटिक का इफ़ेक्ट जो है बहुत तगड़ा नहीं होगा बिकॉज क्योंकि लाइंस बहुत दूर दूर हो गई हैं समझ रहे आप इस चीज़ को सो दिस इज हाउ इट इज़ लाइंस अगर पास पास जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ए ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे फिर दूर होती जा रही है ऐसा 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 है ठीक है सिचुएशन तो अब मैं बात करूँ कहाँ पे फील्ड लाइंस तगड़ी होंगी कहाँ तो पे कमज़ोर होंगी तो यहाँ पे लाइंस बहुत क्लोज क्लोज है तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक का इफेक्ट जो होगा मैग्नेट वाला बहुत तगड़ा होगा बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो इतने सर्कल में तो इतना ही दो ही लाइन आ रही है यहाँ पे देखो सारी लाइन आ गई तो यहाँ पे दो ही लाइन पास हो पा रही है इसके अंदर से इस सर्कल में से ठीक है तो यहाँ पे इसका इफेक्ट तगड़ा नहीं होगा उतना जितना यहाँ पे चलो ओके okay, तो थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस कीजिएगा या इंटरसेक्ट नहीं करती एक लाइन दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी ठीक है आप कहीं भी देखना तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि क्रॉस अगर करी तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करेगा जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसका भी रीज़न है क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल में ये तो आप लोग उसको थोड़ा सा याद कर लेना तो फ़िलहाल के लिए प्रॉपर्टीज़ होगी अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्या है भाई अर्थ की भी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है अब आखिर ऐसा है क्या जो कि हम कंपास जो है हमारा जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगता है या फिर जिस तरह की तरफ पॉइंट करने लगता है तो हमारी अर्थ का जो जोग्राफिकल जो जो नॉर्थ और जोग्राफिकल जो साउथ होता है कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको ठीक है देखो दिख रहा है ना बट जो है हमारे अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी बड़ा सा मैग्नेट बार मैग्नेट होता है एक इमेजिनरी बार मैग्नेट होता है जो कि कैसे रखा होता है जो कि अपोजिट रखा होता है जोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक इमेजनरी जो मैग्नेट होता है अर्थ का उसका साउथ पोल होता है और जोग्राफिकल साउथ की तरफ मतलब जो असली वाला अर्थ का साउथ पोल है उसकी तरफ जो इमेजनरी बार मैग्नेट अर्थ के अंदर होता है उसका नॉर्थ पोल होता है उधर की साइड तो इस डायग्राम को आप लोग रट लेना बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना और बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना बिकॉज इसी पे बेस्ड पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो राइट दिस है ना ये सारे क्वेश्चन अब आपके सारे सॉल्व हो जाने वाले हैं तो इस वीडियो में इतना ही बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम क्या देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आपको एक ही क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना है कोई एन वाला जो ऐप आता है उससे मत देखना सॉल्यूशन का आप सॉल्यूशन देख के कॉपी कंप्लीट कर लेते हो बट खुद से जब करोगे ना तो बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी तो अभी अगर खुद से करते हो तो आगे भी खुद से करोगे नहीं तो हमेशा कॉपी के चक्कर में ही पड़े रह जाओगे ठीक है तो होप सो आप खुद से करो नहीं कर पाओगे कुछ लोग तो मुझे पता है अभी कुछ भी नहीं होगा उनसे ए भी नहीं आ रही होगी उनको तो जो जिनको नहीं हो पा रहा है वो कॉपी कर लो लेकिन जो सच में चाहते हैं कि उनका बोर्ड में मार्क्स अच्छे आए तो वो मेहनत करो भाई ठीक है आप लोग इस चीज़ तो को पढ़ो नाउ सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो में हम कवर करेंगे ये वाला टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट और इलेक्ट्रो और ये सारी चीज़ें हमें क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट इसमें जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं हम उसको कवर करेंगे पहले ठीक है ओके तो ये है ऐसा इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है उसके बाद क्वेश्चन है तो नेक्स्ट टॉपिक में हम जितने भी मतलब एक्सरसाइजेस बेस्ड टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ठीक है और फिर इस तरीके से करते 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 इलेक्ट्रिक मोटर ये तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप पढ़ना चाहो ना तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ सकते हो तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर करके फिर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहुँचेंगे ठीक है सोर्स ऑफ एनर्जी हम लास्ट में पढ़ेंगे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो फिलहाल के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आप तब तक के लिए इसको अच्छे से रीड करना आज मैंने सुबह भेजा भी था क्लासेस में तो ये एक वीडियो है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में भेजूँगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ का अच्छे से रिविजन हो जाए ओके देन सी यू इन नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए आपने कॉपीज़ को यहाँ तक नोट्स मेंटेन कर लीजिए कॉपी में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तक आपने पूरा लिख लीजिएगा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ओके देन, सी यू